बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरी सभा में एक शख्स ने चप्पल फेंकी और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। ये घटना कल दोपहर 12:30 बजे की है। चप्पल फेंकने वाले शख्स का नाम चंदन तिवारी बताया जा रहा है। इस घटना से नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। इस वाकये के बाद जेडीयू नेताओं ने इस युवक की जमकर पिटाई की। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को सुरक्षा घेरों ने घेर लिया। इसके बाद पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक कार्यकर्ता में हिस्सा लेने के लिए छात्र समागम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करने से ठीक पहले चंदन ने नीतीश पर चप्पल फेंकी। चंद्र ने इसके बाद आरक्षण का विरोध करने को लेकर नारे लगाने लगे। चंदन का कहना है कि आरक्षण के कारण बिहार में युवतों को नौकरी मिलने से परेशानी हो रही है। इन सब की वजह नीतीश कुमार है। चंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आपको बैठना है, काम करना है आपको।